हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है यूअर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो आपका कॉलर स्क्रीन होता है उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। यानी कि आपको जब भी कोई कॉल करता होगा तो आपको एक सिंपल सी स्क्रीन दिखाई देती होगी, बहुत ही बेसिक सी स्क्रीन होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है नॉर्मल सा बैकग्राउंड होता है। तो वहाँ पे कॉलर का नाम लिखा आ रहा था, नंबर लिखा आ रहा होता है और बैकग्राउंड जो होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। तो अगर आप उस बैकग्राउंड को चेंज करके कोई भी अपनी मनपसंद फ़ोटो या पिक्चर लगाना चाहते हैं, या अपनी फ़ोन की गैलरी में से कोई भी आपकी मनपसंद फ़ोटो को अपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं कॉलर की स्क्रीन में, तो यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यूअर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके साइड में एक घंटी का आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है कॉलर वाली वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो अपने मैं दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन पे कॉल करके देख रहा हूँ, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जो मैंने अपने दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन पे कॉल किया है, तो यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन है कॉलर वाली, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी स्क्रीन है, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है ब्लू कलर का। तो आपको भी कुछ इसी तरीके का दिखाई देता होगा अगर आप कोई भी Xiaomi डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, जो भी मैं कर रहा हूँ आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये जो डायलर का बटन दिखाई दे रहा है कॉल वाला बटन, आपने इस पर टैप कर देना है। इसको टैप करने के बाद आपको कॉर्नर में नीचे तीन डैश दिखाई देंगे, आपने इस ऑप्शन पर टैप करना है दोबारा से। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो इस तरीके की सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जो लास्ट में आपको एडवांस सेटिंग दिखाई दे रही है आपने उसको ओपन कर लेना है। तो मैं एडवांस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारी एडवांस सेटिंग्स खुल गई हैं। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बीच में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड, और ये डिफ़ॉल्ट पे सेट हो रखा है। तो हम इस पर टैप कर देंगे। जैसे हम टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देती हैं, तो हमने जो नीचे वाली ऑप्शन है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करने से क्या होगा, जो भी हमने लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट किया होगा वो वाला वॉलपेपर जो है हमारे कॉलर की स्क्रीन के बैकग्राउंड पे भी हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने जो है अपनी कॉलर स्क्रीन पे जो वॉलपेपर है उसको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट कर दिया है। तो सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपको अब सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग्स का जो आइकन दिखाई दे रहा है आपने उस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही सेटिंग्स वाली ऑप्शन खुल जाएंगी तो आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने उस पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना होगा, जो आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रही है एक स्माइली की ऑप्शन है सबसे राइट में, आपने उस पर टैप करना है। उसको टैप करने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर्स का ऑप्शन है, इस पर दोबारा से टैप करना है। तो जैसे ही ये ऑप्शन खुल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो भी ऑफलाइन वॉलपेपर वगैरह हैं आपके फ़ोन में जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम वॉलपेपर्स भी होंगे, तो यहाँ से आप कोई भी जो है वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी लॉक स्क्रीन के लिए, या फिर आप चाहें तो अपनी गैलरी जो है उसमें से भी कोई अपना मनपसंद फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ये जो प्लस का बटन दिखाई दे रहा है नीचे, आपने इस पर टैप कर देना है। इसको टैप करने के बाद आपको क्या करना है, गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ पे जो भी आपकी एल्बम्स हैं या फ़ोटोज़ हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से हम कोई भी एक फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी मेरे को फ़ोटो दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा वो यहाँ पर आ गई है फ़ोटो। तो उस फ़ोटो के आ जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने उस पर एक सिंगल टैप दोबारा से करना है, और यहाँ पर नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सेट एज़ लॉक स्क्रीन। तो हमने ये जो फ़ोटो है इसको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की तरह इसको सेट कर दिया है। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, होम बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम अपनी होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि हमारी जो कॉलर स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इस पर अब कॉल करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी कॉलर स्क्रीन है वो उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। यहाँ पे जो है हमारी जो नई फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की थी गैलरी में से वो यहाँ पे सेट हो गई है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप कोई भी अलग अलग फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब आपने सीख लिया है कि आप कैसे अपनी जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है कॉलर स्क्रीन और उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको अपनी गैलरी में से कोई भी मनपसंद फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपको नीचे एक लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड। तो मैं आपको जल्द ही मिलूँगा किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।